हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले तो इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसा समीकरण होता है, ये आइए देखिए। तो रैखिक समीकरण दो चर वाले, तो दो चर वाले x और y, चाहे तो आप a और b भी लिख सकते हैं। तो चर राशि और अचर राशि, तो इसके पहले आपको पता ही होगा कि चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। तो सपोज 3x प्लस 2 है, तो ये जो हुआ वो चर हुआ और ये हुआ अचर। ये तो पता है आपको, जिसका मान बदलते रहता है उसको चर बोलते हैं और जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि बोलते हैं, मतलब अचर बोलते हैं। तो दो चर, तो वैसा इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, तो वैसा समीकरण जो कि रैखिक हो, मतलब जिसका पावर एक हो, वो रैखिक हो गया और दो, वो रैखिक समीकरण हो गया और दो चर भी चाहिए। तो चर राशि हम बताया अभी कि एक्स वाई जेड ये सब चर होता है। तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उसका पावर एक हो, तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देखिए, तो इसमें ये कैसे हुआ ये रैखिक समीकरण दो चर वाले, तो ये जिस, इसका पावर देखिए 1 है, इसका पावर भी 1 है ना। तो ये तो रैखिक समीकरण हो गया। और दो चर वाले, तो देखिए इसमें x भी है और y भी है, तो दो चर है ना। अभी द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ते थे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो देखिए ये द्विघात समीकरण में एक चर था, तो इसका पावर 2 था, तो द्विघात समीकरण हो गया और एक चर हो गया, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, y का नाम इसमें नहीं है। तो ये एक चर का, एक चर वाले द्विघात समीकरण हो गया। बात आ रही है समझ में। और ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। मैं जब पॉलिनोमियल बता रही थी आपको, तो उसमें मैं बताई थी रैखिक किसको बोलते हैं, द्विघात किसे बोलते हैं, त्रिघात किसे बोलते हैं। जिसका घात 1 हो रैखिक कहलाता है, जिसका घात 2 हो द्विघात, जिसका घात 3 होता है त्रिघात। वैसे वैसे घात आगे बढ़ता है, उसका नाम चेंज होते रहता है। तो बात आ गई समझ में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण है ये। तो इस टाइप की इक्वेशन को दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्लियर। चलिए, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए इस वे में है ना, ए एक्स, ये ए हो गया हमारा एक्स, प्लस बी वाई ये बी हो गया, और वाई प्लस सी, तो सी का इक्वल के इधर में सी कुछ भी हो सकता है, प्लस 2 3 माइनस कुछ भी, इक्वल टू 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर है, ये आप जान लीजिए, ये व्यापक रूप है। एग्जाम्पल भी पता हो गया। तो अब आते हैं एक्सरसाइज की ओर। बोले तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। लिखा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। देखिए नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से दो गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। और मान लीजिए, देखिए संकेत भी दे दिया गया है, मान लेना है दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं माना कि क्या दिया गया, नोटबुक की कीमत इज इक्वल टू एक्स रुपया और कलम की कीमत वाई रुपया, ये दिया गया है क्वेश्चन में ही। प्रश्नानुसार क्या होगा, लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो कलम की कीमत क्या
किससे दुगनी है? नोटबुक की कीमत जो है कलम से दुगनी है। तो पहले तो लिखेंगे कि जितना बुक का कीमत है उतना कलम का कीमत है, पहले ये लिख लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, किससे ज्यादा है और कौन ज्यादा है? तो नोटबुक जो है, नोटबुक हमारा एक्स था, नोटबुक जो है वो किससे ज्यादा है? तो कलम से, तो कलम वाई है। जिससे ज्यादा होता है ना उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना ज्यादा होता है तो दो गुनी है। तो किससे ज्यादा है? तो कलम से। तो x इज इक्वल टू टू वाई। अब इसको समीकरण में लिख दीजिए, x इज इक्वल टू टू वाई, तो इक्वल के इधर आएगा तो x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया आंसर। बात आ गई समझ में? चलिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान लिखिए। देखिए ये ये इक्वेशन दिया गया है और ये रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y equal to 9.35 का रैखिक। ये क्या हो गया? हमारा व्यापक रूप क्या होता था? ax plus by plus c is equal to 0। तो ax, a का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? a equal to 2। x के साथ a होता था तो a क्या है? 2। चलिए साइन के साथ लिखेंगे। b equal to क्या हो जाएगा? देखिए y के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 3। तो b equal to 3 हो जाएगा। क्लियर। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए बात ध्यान देने वाली है। कौन सी बात? इक्वल में इक्वल में 9.35 का रेकरिंग दिया गया है। तो प्लस c अंदर में होता है तो इस ये c है तो c को अंदर ले जाएंगे। तो ये इक्वल के बाहर में है प्लस में, तो इक्वल के अंदर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वो c कहलाएगा। तो माइनस 9.35। ए बी सी का वैल्यू निकालना सीख गए। ए एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है ए का वैल्यू होता है, वाई के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है बी का वैल्यू होता है, और इक्वल के अगर उस साइड हो तो उसको अंदर लाकर और साइन के साथ सी का वैल्यू देते हैं, और नहीं तो अगर अंदर में ही हो तो जो साइन रहता है उसके साथ सी का वैल्यू देते हैं। बात आ गई समझ में? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स की x जो है x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे माइनस y अपॉन 5 है तो माइनस 1 अपॉन 5 हो जाएगा। y के साथ वही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस 1 अपॉन 5। अब इसको चेक कर लीजिए तो माइनस 1 अपॉन 5 को y के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन 5 है नहीं। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 10। देखिए ये अंदर में ही था, माइनस 10, तो सी का वैल्यू माइनस 10। क्लियर है? चलिए आप लोग बहुत समझदार हैं। इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 2। वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। एंड लास्ट सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 इक्वल के बाहर है तो अंदर आएगा क्या होगा? माइनस 6। थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान देना है और ज्यादा कुछ नहीं। इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए a का वैल्यू x है तो 1 हो जाएगा। v का वैल्यू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू 3y है तो y के 3 इक्वल के उधर है तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3y हो गया, तो माइनस 3 हो जाएगा v का वैल्यू। c इसमें है ही नहीं तो c इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसमें देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए इक्वल के बाहर में माइनस 5 है, अंदर आएगा तो क्या? 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, v का वैल्यू 5 और c कुछ नहीं है तो 0। इसका देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। इसमें a का वैल्यू 3 हो जाएगा और v का वैल्यू, इसमें y है ही नहीं तो v का वैल्यू 0 हो जाएगा और लास्ट c का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू x है ही नहीं तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, v का वैल्यू 1 हो जाएगा एंड लास्ट c का वैल्यू -2 हो जाएगा। क्लियर है?
इसमें देखिए, इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 2, वी का वैल्यू 0 एंड लास्ट सी का वैल्यू -5। क्लियर है? चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोटबुक में लिखने के लिए आसानी होगी। क्लियर है? तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज एक लाइक बनता है, लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टू ऑल व्यूअर्स।